नमस्कार दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे सुदर्शन के बारे में। ये पौधा तो अब पहले तो आम मिल जाता है, लेकिन अब घरों में लोग लगाते नहीं है, इसकी जगह वो अनावश्यक पौधे लगा रहे हैं। तो इस पौधे के बारे में आपको बता दूं, ये देखने में इसकी पत्तियां चारों तरफ फैलती हैं और मेरे यहाँ पे काट चुका हूँ तो इसलिए नहीं दिख रहा है, नहीं तो ये सुदर्शन की तरह ही दिखती है। इसका ये जड़ देख सकते हैं, जड़ में से नए नए पौधे निकलते हैं। ये एक बगल में छोटा सा निकला हुआ है। तो इसके बारे में मैं बहुत दिनों से सोचा था, आपको बता दूं, शायद पता नहीं मैंने बताया और नहीं बताया। तो इसके बारे में क्या है, सुदर्शन, सु मतलब अच्छा, दर्शन माने दर्शन देखना, यानी कि इसके दर्शन ही बहुत अच्छे हैं, तो इसका ये लॉजिक जाता है। तो इसके बारे में मैंने नेट पे भी सर्च करा तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला है और ना ही मैंने इसका कोई अनुभूत प्रयोग किया है। बस इतना पता है इसके पत्तों का या तने का लेप लगाया जाता है, जैसे हाथ पाँव में दर्द हो रहा है वहाँ काम करता है। दूसरा इसका प्रयोग होता है हमारा पाइल्स के लिए, लेकिन मुझे तो मैं उस पर अनुभूत प्रयोग नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पे जो हमारे दादाजी का परिवार है किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई गांव में तो कोई बताता भी नहीं, बीमारी छिपाते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग तो हमारे मेरे दरवाजे पे ही लगा हो। इस पार देखेंगे तो ये मेरा ये सड़क उस पार मकान है, ये हमारा मकान है दरवाज़ा, और ये बिल्कुल जस्ट ये यहाँ पे हमने ये यहाँ पे सड़क इस पार मतलब बीच में रास्ता है उसके बगल में लगा रखा है। तो सुबह उठते उठते हम लोग तो आते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ है। तो हो सकता है कि इसका बेनिफिट होता हो। और इसके बारे में यही कहा गया कि जहाँ पे सुदर्शन का पेड़ होगा, अगर इसके हम सुबह सुबह प्रातःकाल दर्शन करते हैं तो पाइल्स नहीं हो सकती है उस व्यक्ति को, या देखने मात्र से ख़त्म हो जाती है। तो इस हम तो जानते हैं कि जैसे श्वसन क्रिया के द्वारा पौधे अपने जो गैस से छोड़ते हैं और उसके साथ ही उनका जो पौधे होते हैं या फूल होते हैं या व्यक्ति होता है तो उनकी गंध होती है। हर व्यक्ति हर पेड़ पौधों की अपनी गंध होती है, तो जो वातावरण में छोड़ते रहते हैं, तो उस गंध के माध्यम से अगर हम इसके पास रोज़ सुबह 10-15 मिनट बैठते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे सांसों के द्वारा अंदर जाए और कुछ करता होगा जिससे कि हमें वो बीमारी होती नहीं होगी। जरूर इसमें कहीं ना कहीं इसका रासायनिक वो वैज्ञानिक कारण होगा, और क्योंकि ऐसे अनावश्यक रूप से किसी ने कुछ नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो कहीं पे भी। तो इस तरीके से आप लोग इसे ज़रूर लगाइएगा गमले में अपने घरों में। हम पेड़ तो लगाते ही सुंदर, ये भी देखेंगे, अगर मैंने ये तो पत्तियाँ काट दी हैं अभी नहीं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, तब भी देख रहे होंगे आप कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। तो इस तरीके से सुंदरता की जगह हम कैक्टस वगैरह लगाते हैं, उसकी जगह इसे भी लगा सकते हैं। इसमें भी एक फूल आता है, बहुत डंडी वाइट रंग के आते हैं, बहुत बड़ा भारी फूल आता है। तो इस तरीके से आप इसे लगाइएगा घर में, और इसको प्रातः आपके दर्शन होंगे। आप गमले में लगा के अगर दरवाजे पे रख देते हैं या अपने उसमें बाउंड्री वॉल में रखते हैं, तो इस तरीके से आप इसका फ़ायदा लीजिएगा और ज़रूर लगाइएगा पौध, और देखिएगा लगा करके अगर किसी को पायल से तो वो व्यक्ति ज़रूर लगाए और अपना अनुभव हमसे शेयर करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से आप मैंने इसके बारे में जानकारी दी, क्योंकि ये पेड़ भी, ये पौधा भी मेरा उखड़ने वाला है, मैं दूसरी जगह रोपण करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं अपनी गौ माता ला रहा हूँ, एक देसी गाय, तो इसको बांधना है दरवाजे के बगल में ही, और यहाँ बगल में भी मेरा एक मकान बना है इसके बगल में ही, तो ये बीच तो मुझे इसको खेड़ना ही पड़ेगा मजबूरी में। लेकिन मैं इसकी दूसरी जगह लगाऊंगा और खेत में जा कर लगा दूंगा, 3-4 पेड़ लगाऊंगा इसके, क्योंकि जड़ों में से 2-3 किले निकल रहे हैं उनको लगा दूंगा। तो आप भी लगाइएगा और इसका फ़ायदा लीजिएगा, प्रातः दर्शन करने से जब है फ़ायदा, और हम तो लगा ही रहे ना, कुछ ना कुछ तो लगाते हैं, उसकी जगह इसी को लगा दीजिएगा। मैं भी एक गमले में लगा दूंगा, बाकी 1-2 खेत में लगा दूंगा। तो इसी तरीके से आप भी लगाइएगा और फ़ायदा उठाएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।